अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आफ्ताब खंडर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर खंड ब्लॉग्स। ब्लॉग शेयर से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा। तो अभी आप लोग देखिए, बट्टी जो है ना आया हुआ है मेरे पास। हम लोग तकरीबन 301 में आए हुए हैं घर से, काफ़ी दूर, और 263 में मैं रहता हूँ बस्ती खंडा वाली। तो भट्टी रहता है सेटेलाइट टाउन में। अभी हम 301 आए इसके कट साहब के पास। कट साहब का कुछ काम करना था, वो कट साहब भी मुझे लगता है आ गए हैं, और वो पीछे देख सकते हैं कट साहब आ चुके हैं। उनका कुछ काम करते हैं, फिर चलते हैं वापस घर, और घर चल के फिर आपको रास्ता इंजॉय करते हैं। बड़ा मज़े का यार रास्ता। रास्ते में हम थोड़ा भूल भी गए थे, फिर हमने पूछा गूगल मैप आ जाए, मैं गलत लेके गई है। बाकी देखते हैं सीन क्या है। बेग मदरसा है, और बाकी ये सीन है यहाँ का। और ट्रैक्टर वगैरह भी खड़े हुए हैं, और क्या कहते हैं ये ना चेजल है, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है। लाइक पहले वीडियोज में देखता था और ये बड़ा काम की चीज़ है, लेकिन ना ट्रैक्टर का भी बड़ा जोर लगवाता है ज़मीन में, क्योंकि इसके ये ना हल वाला हिसाब नहीं है, ये पूरा ही अंदर जाएगा, मतलब कि ये यहाँ तक ना यहाँ तक। और ये आलू कह सकते हैं, आलू वाली मशीन है, इससे आलू लोग ज़मीन खेत से निकालते हैं बाहर, और ये आलू बीजने वाली है। वो जो है ना वो वाली मशीन जो है, ये वाला जो क्रॉस ब्लेड सा बड़ा है, ये ज़मीन को बराबर करता है, लेज़र कहते हैं इसे। और इसे यार मुझे पता नहीं है कहती है, ये वो है टोका इसे कहते हैं। इससे जो है ना ये चावल का जो कचरा होता है, अपने पराली कह सकते हैं, अंदर पराली कहते हैं, आपके ज़माने में पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं यार, कचरा ही कहें। कान सी भी हुई है, तबीयत ख़राब ही है। और बाकी ट्राली वगैरह खड़ी हुई है। अभी यार जो है ना घर वापसी की तैयारी हो चुकी है, बट्टी अब जो है वो बैग लेके निकल रहा है, मैं बाइक निकालता हूँ अभी आपसे, फिर रास्ते में सफ़र वगैरह दिखाऊँगा आपको, और चलते हैं बाइक लेते हैं घर चलते हैं। रास्ते में सड़क जो है बड़ी मज़े की, इंशाल्लाह हमको 15 मिनट में ना काफ़ी फासला तय कर जाएंगे, घर पहुंच ही जाएंगे। घर थोड़ा दूर है लेकिन रोड बड़ा अच्छा है, तो अभी बस चलते हैं घर। रास्ते में आपको रोड्स दिखाएंगे। यार अभी जो है ना इस बगैर कुत्ते की बाइक का ना पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। अभी हम तकरीबन गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो अभी इसे लिटाते हैं, सीन करते हैं, कुछ देखते हैं। अभी पेट्रोल वगैरह है, देखते हैं कुछ। मैंने देखा है थोड़ा सा पेट्रोल तो है, तो उम्मीद है ये गाँव तक चली जाएगी। बाकी स्टार्ट पता नहीं क्यों नहीं हो रही, मैं अभी देखता हूँ इसे। अरे अभी निकला बाइक, तो बस 1 मिनट यार, इस बगैर गंजे की वजह से मैं उन्हें तो टाइटल ही रख लेना, गंजे की बाइक का पेट्रोल ख़त्म। तो यार अभी दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ, उम्मीद है हो जाएगी। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और बट्टी जो है वीडियो बनाता है। ये झूठ बोली जा रहा है, कोई तेज होगा ये जान के। फाइनली जो है ना हमने चौक उठा के बाइक स्टार्ट कर की थी, लेकिन अभी तो जी ये अभी लगता है बाइक को लिटाना ही पड़ेगा, इसकी तबीयत खराब हो चुकी है। उतरो बट्टी साहब। तो फाइनली यार बाइक जो कचरा है उसको नीचे लिटा दिया गया है, ये इस कचरे की ये बाइक है, और इसमें पेट्रोल ही नहीं है। अभी यार इसे लिटाया, तो अभी लेके चलते हैं आगे पंप वगैरह पे, और इसमें पेट्रोल भरवाते हैं। यार जो है ना बड़ी मुश्किल से हम पंप पे पहुंचे हैं, यहाँ से डलवाया पेट्रोल 90 रुपये का, इस खोते गरीब इंसान ने डलवाया। मैं तो घर पहुँच जाऊँगा, देखते हैं ये घर पहुँचता है या नहीं। तो यार ना वापस आके मैं सो गया था, उसके बाद फिर चाचू के साथ एक ना चाचू के मामू की ज़मीन में थोड़ा रोटावेटर फेरना था, वो चलाया, उसके बाद ट्रैक्टर बंद हो गया, फिर ट्रैक्टर लेके आया, वो स्टार्ट करवाया, तो एक्सेट्रा था जगह ना थोड़ा खपना पड़ा। और अभी मैं जा रहा हूँ जी बुरे वाला हॉस्पिटल, तो वहाँ पर थोड़ा काम है, पेशेंट है हमारे रिलेटिव, तो उनके पास जाना है, उनका पता करने। तो जी अभी आज के लोग यहाँ पर एंड करते हैं जाते हैं, तो मैं चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा। तो यार आज भट्टी ने सुबह सुबह उठा दिया था, और बस ना उसके बाद फिर सुबह तो फ्रेश हो गया बाद में, लेकिन ना मैं जो था थक गया था, क्योंकि रात को नींद ही पूरी हुई। तो आज के ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।